हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने कैंडिड बी लोशन के रिव्यू को लेकर आया हूं। आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने है कैंडिड बी लोशन। दोस्तों, आज मैं कैंडिड बी लोशन के फ़ायदे और नुकसान और यूजेस के बारे में दोस्तों मैं बताऊंगा, साइड इफ़ेक्ट भी बताऊँगा। और ये जानने के लिए दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो को अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, पहले हम देख लेते हैं कैंडिड बी जो लोशन है, इसका जो कंपोजिशन के गौर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है दोनों कंपोजिशन जो कि है क्लोट्रिमाजोल प्लस बेक्लोमेथाजोन लोशन। तो दोस्तों, कैंडिड बी लोशन जो होता है ये दोनों कंपोजिशन को मिला के बनाया गया है। और नीचे देख सकते हैं आप, ये हिंदी में भी लिखाया गया है कि कैंडिड बी लोशन बोल के। और इसका जो नीचे लिखा गया है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी माइकोटिक, एंटी इंफ्लामेटरी एंड एंटी प्रूरिटिक। तो दोस्तों, ये जो कैंडिड बी लोशन है, हम ये तीन जो प्रॉब्लम्स सब लिखा गया है, हम यहाँ पे आप इजीली यूज को यूज में ला सकते हैं। अभी मैं डिटेल्स बताऊंगा दोस्तों, वो कौन कौन से कंडीशन में यूज करते हैं। आप लोग मेरे वीडियो तक बने रहिए। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लेनमार्क लिखा गया है, ग्लेनमार्क का लोगो है। और उसके ऊपर आप देख सकते हैं 30 ml का ये बोतल लगाएगा। मैं दोस्तों अनबॉक्सिंग भी करके आपको दिखा दूँगा इसके अंदर कैसा रहता है। तो पहले हम जान लेते हैं दोस्तों इसका जो मार्केट वैल्यू। दोस्तों, 30 ml का जो कैंडिड बी लोशन है, इसका जो मार्केट प्राइस है दोस्तों, वो है 200 rupees ओनली। आपको ये किसी भी केमिस्ट शॉप में, मेडिकल शॉप में आसानी से मिल जाएगा दोस्तों। अभी हम जानेंगे इसका जो कंपोजिशन का क्वांटिटी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है क्लोट्रिमाजोल IP 1% WYV एंड द सेकंड वन इज़ द बेक्लोमेथाजोन डाइप्रोप्योरनेट जो है कि 0.025 mg का WYV का मिलाया गया है। अभी हम जानेंगे दोस्तों इसका जो यूजेस के बारे में जानने से पहले दोस्तों, मैं इसको अनबॉक्सिंग कर देता हूँ। दोस्तों, अभी उसके अंदर ऐसा एक बोतल आया दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। इसका बोतल जो है बहुत अच्छा दिख रहा है, अभी ग्रीन कलर है, वाइट है, बीच में रेड का बॉर्डर है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा दिख रहा है। और लोशन जो है दोस्तों, बोतल वाइट होने के कारण, ट्रांसपेरेंट होने के कारण आप लोशन भी देख सकते हैं, इजीली विजिबल हो रहा है दोस्तों। और अभी हम जानेंगे जो कैंडिड बी लोशन के यूजेस के बारे में। दोस्तों, पहले हम अभी देख लेते हैं उसका जो कंपोजिशन का जो यूजेस होता है। आप लोग जानते होंगे क्लोट्रिमाजोल जो कंपोजिशन है दोस्तों, ये एक एंटी फंगल कंपोजिशन है, जहाँ की ज़्यादातर हम फंगल इन्फेक्शन, आप लोग जानते होंगे मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ फंगल इन्फेक्शन के बारे में, आप लोग मेरे वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं डायरेक्ट बोलना चाहूँगा, क्लोट्रिमाजोल एक एंटीफंगल है, जहाँ की हम फंगल प्रॉब्लम जितने भी होते हैं, दांत खाद खुजली में हम यूज में लाते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट उसका होता है। और जो सेकंड कंपोजिशन है जो है दोस्तों, बेक्लोमेथाजोन, ये दोस्तों एक कोर्टिकोस्टेरॉइड है, स्टेरॉयड ग्रुप से बिलोंग्स करता है, इसीलिए इसका जो काम होता है दोस्तों बेक्लोमेथाजोन का, यहाँ पर जो रेडनेस होता है, इचिंग होता है, स्वेलिंग होता है खुजली के साथ, खुजली के टाइम, तो दोस्तों ये वो क्या करता है, वो कम कर देता है। और ज़्यादातर इसके लिए बेक्लोमेथाजोन यूज किया जाता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि दोस्तों स्टेरॉयड है मतलब आप कुछ अलग समझ रहे हैं, ऐसा कुछ स्टेरॉयड नहीं होता है दोस्तों, जो कि डॉक्टर लोग प्रेस्क्राइब करते हैं, ये शॉर्ट टर्म यूज के लिए होता है। और ये दवाई होता है जो कि आपका जो प्रॉब्लम्स होते हैं दोस्तों, ज़्यादातर रेडनेस, स्वेलिंग हो गया या ब्लीचिंग ज़्यादा हो रहा होगा, तो वहाँ पर ये लगाने से बहुत जल्दी राहत दे देता है दोस्तों। अभी तो हम जानेंगे। और इसका जो यूजेस के हम बोलेंगे तो ये बच्चों के लिए नहीं होता है दोस्तों, आप 12 साल की उम्र से लेके आप लोग एडल्ट यूज कर सकते हैं इसको। और इसको यूज करने का तरीका जो होता है, आपका ऑल ओवर बॉडी में अगर फंगल इन्फेक्शन है, टिनिया कॉर्पोरिस या दिक्कत, सारे जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं सब हो रहा है, तो आप दोस्तों ये लोशन लगा सकते हैं दिन में 2 बार, एक नहाने के बाद सुबह और रात सोने से पहले आप दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा रिजल्ट 2 या 3 दिन में दे देता है दोस्तों। लोशन लगाने के साथ साथ आपको कुछ दवाई भी लेना पड़ता है, जो कि आपको डर्माटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, डॉक्टर्स लोग प्रेस्क्राइब करते हैं। तो आप सिर्फ लोशन लगा देने से पूरा टोटल क्लियर नहीं होता है दोस्तों, इसीलिए आपको इसके साथ कुछ दवाई भी लेना पड़ता है, जो कि आपका डर्माटोलॉजिस्ट प्रेस्क्राइब करेंगे। इसीलिए दोस्तों, आप कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना लीजिए, इसको सेल्फ अप्लाई ना कीजिए, क्योंकि आपको प्रॉब्लम्स के बारे में पता नहीं होता है और कितना ड्यूरेशन में यूज करना है वो पता नहीं होता है। इसीलिए आप अगर लेकर लगाते हैं तो आप सही तरीका नहीं जान पाएंगे और आपका प्रॉब्लम जो होता है बढ़ सकता है। अभी हम जानेंगे इसका जो साइड इफ़ेक्ट। दोस्तों, इसका साइड इफ़ेक्ट ज़्यादातर
आप लगा रहे हैं तो जो जहाँ पे प्रॉब्लम्स हुआ होगा आपका इन्फेक्शन, वहाँ पे ज़्यादा इचीनेस बढ़ सकता है, रननेस बढ़ सकता है और दाने पड़ सकते हैं। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स होता है तो दोस्तों आप लोग जरूर डर्मेटोलॉजी से कंसल्ट करके दवाई चेंज करवा सकते हैं। बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, आप छोटे इन्फेंट्स बच्चों में कभी भी ना दीजिए, ये बहुत प्रॉब्लम्स हो सकता है। और बच्चों से कृपया दूर रखिए, क्योंकि ये लोशन है, आप इसी को सिरप के टाइप कभी भी भूल गलती भी ना कीजिए दोस्तों बच्चों के पास रखने के लिए, क्योंकि वो दिक्कत हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आपको अगर कुछ डाउट्स होते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों का डाउट्स क्लियर कर दूंगा। और ऐसे आप नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए दोस्तों ऐसे नए नए दवाई की जानकारी के लिए। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय भारत।